भाई हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। कहाँ पलटी? पहले भी यहाँ था, अभी आए। अच्छा, मैं कह रहा था गाड़ी में वो गड़बड़ कर रही है, करवट लेगी। एवरीवन वेलकम टू अवर अनदर व्लॉग। और आज क्या चल रहा है भाई स्पेशल? आज कोई आने को है? मुँह जल गया, गरम गरम खा लिया। गरम गरम खा लिया। स्पेशल तैयारियां चल रहे हैं, दोनों लग रहे हैं कैडी पड़ के शेफ, असिस्टेंट शेफ हैं। एक तरफ आलू गोभी, ओहो आलू गोभी मसाला, हाँ। पकोड़े, ये वो कोफ्ते, कोफ्ते। आज कोई आने को है? हाँ। कौन है? सरप्राइज? तो भैया आज कोई गेस्ट आ रहा है हमारे घर, तो स्पेशल चीजें बन रही है। और क्या मीठे में क्या है? वो भी बनाऊंगी भाई। बनाएगी? और वो मैंने अभी शुरू करा था पर छींटे जाती तो। अच्छा, ओहो ये कह रही है भाई हमारी गुड़िया आ नहीं रही है तो मैं कुछ काम ही कर लूं, क्या पता आ जाए कुछ महक सूंघ के हैं। सही है सही है, आप जाओ लेट नहीं होने। हाँ मैं जा रहा हूँ भाई, मैं गेस्ट को लेने जा रहा हूँ। इतने तुम तैयारी कर लो। पूरी बनेगी सब? रोटी बनेगी बताओ या चावल बनाएंगे? पूरी कल बना देंगे, बेली पूरी और आलू सब्जी, और आज रोटी बना लेते हैं। चल ठीक है, मैं जाता हूँ एयरपोर्ट स्पेशल गेस्ट को लेने। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते हैं कौन है हमारा स्पेशल गेस्ट। यशोदा की मम्मी आ रही है यशोदा का हेडमास्टर आ रहा है ठीक है यार, मस्त है मस्त है। नमक और तो? अरे नमक और तो बाद में मिल जाएगा। चल मैं जा रहा हूँ भाई। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट स्पेशल गेस्ट को लेने। अभी तक स्पेशल गेस्ट आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे अभी, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मैंने गेट नंबर 9 तो बोल दिया है, पहले गेट नंबर 6 पे था मैं, पर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने हटा दिया मेरे को। अभी मैं गेट नंबर 9 पे वेट कर रहा हूँ भाई। पैसेंजर तो आ गए हैं एयर इंडिया के, अभी सिक्योरिटी वाले से लड़ाई हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई, कहता निकाल निकाल निकाल, मगर भाई रहने थे थोड़ी देर, अभी आने वाले हैं गेस्ट, उनको मिलेगा नहीं अगर मैं चक्कर काट के आया दोबारा। तो देखते हैं कहाँ है एक बार। वैसे आ गए हैं एयर इंडिया के कुछ, मैंने देखे अभी पैसेंजर बाहर आ गए हैं इंडियंस। भाई हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। नमस्ते जी, नमस्ते भाई, ठीक ठाक आप बताओ? मार अगर मेहमान आया, तू जा रही उठ के है हैं भाई? हाँ, भाई माई जी पहुंच गई है। हाँ, तो इसके लिए जी अपना स्ट्रगल बताएंगे। हाँ, हाँ, भाई अकेले आई है जी, पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में। यस, हैं मजे आ गए हैं बिल्कुल, बहुत आनंद आया जी में, इतना आनंद, जी का इतना आनंद आया, वो ब्लड प्रेशर नहीं, मारे दग दग हो रही थी। मगर भाई लेट हो गई, दिल्ली के ट्रैफिक में फंस गई जी। नहीं ट्रैफिक में फंसी और हो भी रही थी टेंशन। अरे मैंने आपका गूगल मैप चेक करा, रानीबाग टू IGI एयरपोर्ट सीधा वो दिखा रहा है, 1 घंटा 15 मिनट। मैं कहा गई भाई, चेक इन होने के 10 मिनट बच रहे थे ना बस, क्लोज होने के 10 मिनट बच रहे थे। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जैसे गेट पे वो करते मिलने बाय बाय है, मैं चल ठीक है मिल लिया बतेरे बहुत है। एक फोटो मैं कहा चलो एक फोटो तो खींच दो कि हाँ मैं यहाँ हूँ, इन्होंने एक फोटो करी, एक फोटो करने के बाद मैं कहा अच्छा जिस बात, और बस फटाफट फटाफट उनसे पूछा कहाँ जाना है, वहाँ पहुँचने के बाद देखा वहाँ इतनी लंबी लाइन फिर तेरे जीजी को बुलाया मैंने कहा वहाँ तो बहुत लंबी लाइन है, फिर दूसरे काउंटर पे गया, उन्होंने कहा जी गेट पे चले जाओ। अच्छा, उस गेट से जो सिक्योरिटी वाले देखे हैं, जो वे पेपर वो पासपोर्ट और वे टिकट देखे हैं, वो क्या हुआ मैंने चश्मे की बीच बोल दी उसको, मैं कहा मैंने हैदरपुर से चश्मा उठा लाना, इसने कही थी चश्मा गया ना जी, इसकी वजह तो कही थी जी अपना चश्मा लिया, तुमने क्यों कही थी जी अपना चश्मा लिया ही है? नहीं ये तो मुझे था उम्मीद कि अगर मैं 2 घंटे पहले, मैंने कल रात को सारी मतलब पढ़ी उसकी समरी। अच्छा, कि क्या क्या चीजें कैसे, तो बताया कि 1 घंटे पहले हम बंद कर देंगे। अच्छा 1 घंटे पहले, 2 घंटे रह जाए पहले, इसलिए तो हम घबरा रहे थे। 1 घंटे पहले डोमेस्टिक, 1 घंटे पहले इंटरनेशनल, 2 घंटे पहले। अच्छा, भीड़ के, भीड़ के ऊपर मैंने एयर इंडिया की उस पर गई साइड पे, जो उन्होंने लिंक भेजा था मुझे। अच्छा, जाके मैंने फिर सारा पढ़ा रात को। अच्छा, 1 बजे तक पढ़ के सोई हूँ मैं। तो भाई चलो पहुंच गई है जी घर पे, पहुंच गई है जी, अब आना खाना वाना बनवा दे,
खाना खा लेते हैं, लेट हो रहे हैं। चल भाई आज स्पेशल खाना बनवा दिया इसने। भाई भाई मेरी मेरी ननंद आ रही है, मैं तो आना ही है। वैसी वाली आलू गोभी और कहीं कोफ्ता और कहीं खीर पीर की है। सेवैया मैं कहा था बिल्कुल सिंपल चीज कर लेना, मेहनत मत। सलाद कौन सी सब्जी पसंद है, मेरे को सारी सब पसंद है। फिर यार घर में घिया तोरी और करेला ही आवे बस सब्जी। तो मेरे मैंने मैसेज लिखा कब कभी सब्जी को घिया तोरी बना दे, मैंने कहा तो घिया तोरी छोड़ के बाकी कुछ भी बना लेना। चलो जी तो खा लिए, तू कर ले। हाँ सलाद मैं कह रहा था, हाँ तो आलू होगी, गोभी होगी, कोफ्ता होगा, प्याज होगी, टमाटर होगी और क्या चीज। चल लगा दे तू फटाफट खाना। अरे थम छोड़ डन्नू, बताओ ये चिकन कोरमा कैसे तो अजी जी चिकन कैसा था नू बताओ। सचमुच था क्या, देख लो और चिकन ने देख लो ना कोमल बनाई नहीं सकती, पता है कोमल लगेगी पर तो जीजी जी ने ना भाई। घिया कोफ्ता बना था और मसाला भिंडी नहीं भाई, मसाला गोभी, आलू गोभी, मसाला गोभी, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। हाँ बहुत भाई, शेफ तू हो गए पास। मैंने तो तब भी कर रखी है, दो तीन बार मेरे सामने भाभी बनाई थी राइस। अच्छा एक्यूरेसी पता है इसको कि क्या चीज डालनी चाहिए, बहुत टेस्टी लगी इसलिए मैंने पेट भर के खाना खाया। अदरवाइज खाना जी जी है ना, भूखी मर के आई है पूरा प्लेन में, खाना उन्हें खाना भी ना दिया। नहीं नहीं खाना दिया था, टेस्टी टेस्टी देखी उनकी, रोटी तो थी नहीं ना, नहीं चावल दिए होंगे, चावल थे वो भी कच्चे थे, नाम के रह रहे थी रोटी थी, कच्चे चावल थे, एक बन था, मैंने तो दही खाया, अपना पहले पराठा खा लिया जो लाई थी जी, अपने बांध के लाई थी एक पराठा दो पराठा। दोनों नापे थे? दोनों। अच्छा बैग में तो हो गया 9 किलो, कोई बात ना, चल 9 किलो होगा 10 किलो जी, मारी चीज आ गई। फिर उसमें हुआ 27, मैं बोली जी उसमें कर दो 2 किलो एडजस्ट, जैसे मर्जी करो। देखो मारी चीज तो आ गई ना। अच्छा वो तगड़ी पैक हो रहे, और जो अब आना मैं जैसे खोलूंगा ना वो कहेगी थोड़ा सा बाहर घेर दो, अगर डालना चाहिए दूर से आई थी, खोलना ही ना रहा है ना, ये अटक गया। हां ओहो इमरती भी आ गया, बालूशाही, अब कोई इंसान चिट्टी बन जाएगा। ले बालूशाही भी और इमरती भी और डोडा भी, अब तुम्हें बता दे बाहर कौन सा घेरना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साल जो भी खोल लोगे कोई बात ना, हम पहले भाई वही वो भगवान जी के लिए वो निकाल देना उसमें, निकाल रहे हैं बहुत की निकाल रहे हैं, मुझे क्या तो सही हुई। अरे सारा मन ही खाना है ना, हम दांत मारे भी है ना, ना, ना आप रहेंगे ना, दांत ना है ना, ये सोदा के लिए दांत है सब के हैं ना, ना ये सब निकाल के रख दे, दांत ना खा रहे मैं ये तो। अच्छा तो जीभ भी सब के। हाँ भाई ननंद की खातिरदारी चल रही है, हैं अब क्या बन रहा है इसमें, वो करना मिक्स आलू बनेगी पूरी बनेगी। हाँ। देख लो जी जितना काम करेगी फिर उतना ही करवाएगी आप। अच्छा मैं तो रोज पूरी बनाऊंगी, अभी ये खाया ना खाया, मैं रोज पकौड़े बनाऊंगी, बता समोसे बनाऊंगी और कोमल खीर बनाऊंगी, ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी, अब ये नहीं खाया तो मैं इसकी मर्जी है। हाँ। तो वैसे तो रियल किया ही खानी ना, ना जो ये मेरे को खिला रही है फिर मैं यही खिलाऊंगी भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ जितना कामयाब कर रही है ना। हाँ, हाँ, हाँ। उतना ही करवाएगी देख लेना जापे में, बिल्कुल वही करूंगी देख लेना। वैसे क्या बना रही है, भेड़ में पूरी भीड़ में पूरी या भेड़ में, नहीं नहीं भेड़ में पूरी। अच्छा आप खाई तो है मैंने, इसके अंदर दाल का मसाला डाल रहा है और देख कितनी सुंदर फूल गई है, एक बार देख आके ये देख नू तो सह पड़ी है यहाँ ना। हाँ। भाई हमारा तो लंच चल रहा है अब, कैसी जी पूरी, बहुत टेस्टी, बढ़िया, बहुत क्रंची सचमुची भाई, यो सुख तो है कोमल को है ना। खाना तो खा दे पूरी इतनी क्रंची कचौरी की तरह, सही कह रही है ये बिल्कुल एकदम, बहुत टेस्टी है। अरे ना पता क्या करेगी, जैसा है ना मान लो इसको जी कर रहा है कल, नहीं इसने पूरी खानी है,
वो पूरी खाओगे कल, वो बेदिन पूरी बनाओगे खाओगे हाँ देख लो इसने उन्होंने कहा बेदिन पूरी खाओ कल, मगर है ना देख क्यों परेशान हुए उन्होंने, नहीं कोई परेशानी नहीं होगी बना दो अनु नहीं कह कल मना है ना बेदिन पूरी खानी, कल मैं वो बनाऊंगी आपको खानी, अनु नहीं पूछेगी नुका आपके लिए खा बना देती हूँ मैं बेदिन पूरी, मेरा मन कर रहा है ना क्या तो गाइज हम आ गए हैं वीकली चेकअप के लिए, अभी तक बेबी आया नहीं तो हम वीकली चेकअप के लिए आ गए हैं दोनों, अभी क्यू में लगा दिया है इसको और इसको अभी ऊपर चेकअप कराने लेके जाएंगे, बेबी की मूवमेंट वगैरह ऑक्सीजन वगैरह इम्यूनिटी फ्लूड वगैरह चेक करने जाएंगे है ना, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या होता है क्या? नहीं होगा तो बेबी हमें भी पता है पर भाई कब होगा कैसे होगा हम तो इसलिए वेट कर करके थक रहे हैं, तो आज डॉक्टर डिसाइड करेगी भाई क्या है क्या नहीं है सिचुएशन, अब आफ्टर जब वो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर देखते हैं। कुछ कमेंट भाई आपका? नींद आ रही है, सो जा, देख ले सोते सोते बेबी आ जाएगा भी। हो गया चेकअप, बस हो गया चेकअप भाई, अब जा रहे हैं दूसरी जगह। कहाँ पलटी थी? पहले भी यहाँ था, अभी यहाँ है। गौर से देखो इस इंसान को, ये हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है। प्रशांत तू हेलो, इत्थे तो काम छोड़ दो, काम चल रहा ठीक है भैया, पता आपके हाथ की चोट चलती रहे भाई, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है ये, कर लो जब तक नंबर आए मेरा, काम कर लो इतने फिर हमारी गुड़िया आ जाएगी, बहुत करना ना दे दे इतना तो कर लो क्यों वो आपको डिस्टर्ब करेगी, नहीं मेरे को जो वही अच्छा नहीं लगेगा और... मैं उसको समझा लूंगा, ठीक है कर लो जब तक कर लो। भाई हम दोनों थक गए हैं, दोनों को नींद आ रही है, कल जीजी आई थी तो लेट तक बात करी थी हमने इसलिए हम सो नहीं पाए, इसकी आँख देखो सूज रही है, मेरी आँख देखो सूज रही है, और डॉक्टर का वेट कर रहे हैं हम दोनों अपने क्यू का, और सोच रहे हैं सो जाएं है ना, सही सोफा लगा रखा है इसलिए तो सो जाते हैं थोड़ी देर है, भाई सो जा यहाँ पे आना, वैसे ये मेरे से इल्लीगल काम करवा रही है पता है क्यों है, दिखाऊं तो सामने है वीडियो और कैमरा यहाँ अलाउड नहीं है, कुछ मत करो, ये मेरे से यहाँ लोग बनवा रही है, मेरे को फंसवाएगी तू, पुलिस कंप्लेंट करवाएगी है ना, बेबी पुश कम 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 कम, वो लेट लगती है हाँ जी आएगी है